हिम्मत करें, हिम्मत करें, हिम्मत करें, अब ध्यान नहीं, अभी मैं करूंगा, फिर जब तुमको ना हिम्मत करें, हिम्मत करें, हिम्मत करें, हिम्मत करें, ये मत करें, ये मत करें। मुझे एक और था, सज्जाद अली और हम बैठे जहाज में, अब मैं बैठा हूँ सज्जाद कोने पे, मैं हूँ तारिक अजीज साहब, अब जहाज चल रहा है, अभी ये जहाज चलने शुरू, मैंने कहा वो कहना अयाज भाई आप जरा बात करें ना, सज्जाद ने कहा, मैंने कहा तारिक अजीज साहब को, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, अभी अखबार पढ़े थे, वालेकुम सलाम, मैंने कहा जी और कैसे, अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ, दोबारा भी नहीं देखा, मैंने कहा अभी देखना, देखना, मैंने जेब से निकाले 500 रुपए, मैंने कहा आपके पास खुला होगा, ओ याज मेरा बच्चा मेरी जान कैसा है, अरे सज्जाद मेरी जानी, यानी नॉर्मल आवाज भी, उन्हें पता नहीं होगा कौन है, मतलब वो अगले मगर नहीं, उसके बाद मैंने कहा क्यों आप क्यों नहीं, जब हम आपसे पूछ रहे थे आप क्यों नहीं बोले, कले यार अगर मैंने एक दो दफा लोगों से बात शुरू की तो वो खा गया मुझे मुल्तान तक, मुझसे कहते रहा कि यार ये कार्ड कैसे मिलते हैं मुझे, जहाज में अच्छा अक्सर पकाऊ मिलते हैं, जहाज भी वही रहता है, जहाज कहीं रुकेगा भी नहीं बीच में, पूछते कहाँ जा रहे हो, उस वक्त तो वो वाला शो था ना, क्या कहते हैं, मुझे इनाम मिलते थे, इतनी मेहनत करवाते थे और आखिरी में एक जामे शेरी की बोतल, इतनी मेहनत, मुझे भाई मेहनत, कूलर मुझे सबसे पहले सोमा रेडियो मिला था जो उसे फ्री में मिलता, लेकिन यार लेकिन कितनी मालूमात होती थी उसे, वाटर कूलर लेने के लिए होता था, मालूम एजुकेशन बढ़ती थी, 142 सवालों का जवाब, आप यूं करो, यूं करो, यूं करो, और बाइक ले जाओ, मोटरसाइकिल ले जाओ, अच्छा कैसे एक दो मिले, ये करो आप रमजान में, वाह वाह, अफ्तार के फौरन यार तुम बात करते हो तो मैं छिलते रहो, और इतनी रमजानों में बाइकें बांटते हैं, ईद पे सिर्फ मोटरसाइकिल ही चल रही होती है, अरे खाली खाली मोटरसाइकिल चल रही है, उसमें कोई बंदा ही यार, इतने दिन देखो मिजा ऐसी चीज है कि साल तक प्रोग्राम चलेगा तो चलता रहेगा, वाह वाह, मुझे तो इन पर ब्लेसिंग है इनको कि यार ये बड़ी बात है, बड़ी बात है, सालों खींच जाते हैं, बड़ी बात है, सलाम है, अच्छा इस जहाज की बात कर रहे हैं, आपने एक चीज नोट की होगी, मैंने देखा जहाज में आपको ऐसा कैरेक्टर जरूर मिलेगा जहाज में, आपने देखा होगा जो आपको बिना वजह देख रहा होगा, भूलता रहेगा, आपको ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं बिना वजह आपको देख रहे होते हैं, खासतौर पर एयरहोस्टेस कौन से उसकी पसंद है, कभी ऐसा हुआ एमिरेट्स एयर जहाज में गए और आपको पीआईए के एयरहोस्टेस मिली हो, हाँ बैठी हुई साथ बैठी हुई और आपको क्रश हो गया, क्रश हो गया भी, वो उसका आखिरी सफर था और उसने यहाँ से चॉकलेट निकाल के दी आपको बालों में से, और पीआईए की एयरहोस्टेस पे कभी क्रश हुआ, कुछ 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 एयरहोस्टेस क्रश तो नहीं हुआ लेकिन वो रश हो गया, मैं कह रहा था एयरहोस्टेस आती है ना वो बस जरा सा पूछ लेती है, और आपको वो ब्रिटिश फूड देते हैं हम या आपको पाकिस्तानी, तो कहीं मैंने कह दिया कि कोई एक दिन आपको टीवी पे आते हैं भी, बहुत खुश होते हैं, अब उसने दोनों लाके मुझे दे दिए, मुझे ब्रिटिश वाला भी दे दिया, मैंने उसको खोला, बड़ा बड़े हो गए, अरे हमको तुम दे दिया भाई, हमें तुम दे दिया, लेकिन ये होता है एयरहोस्टेस की बहुत बड़ा के दे गया, आपने ये ले लिया, आपने एयरहोस्टेस की मोहब्बत होती है ये, आप अगर पहचान ले तो अच्छा एक्स्ट्रा, और मैंने देखा है कुछ कैरेक्टर बैठ जाएंगे ना खड़ूस किस्म के, एयरहोस्टेस बोलेंगे ना चाय लेंगे या कोल्ड ड्रिंक, वो क्या करे, इधर मैं मौत के मुंह में बैठा हूँ तेरे को चाय कोल्ड ड्रिंक की पड़ी, अभी 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 जब दुबई से आया था ना एक बंदा, जब टेक ऑफ हो ना एक बंदा कह लेगा एयरहोस्टेस को बुला के, कह लेंगे वो ये एलसीडी नहीं चल रही, कह रही जहाज चल रहा है काफी नहीं है, रात को कौन कोट पहनता है, चश्मा भी लगाया, अच्छी ऑब्जर्वेशन होती है, अच्छा मैं ये समझता हूँ कि पहले का जो मीडिया था और अब का जो मीडिया, उसमें ये फर्क है कि पहले के लोग जो है कामयाब हुआ करते थे और आजकल के जो आर्टिस्ट है वो वायरल हो रहे हैं, तो ये आप किस तरह देखते हैं इस चीज को, रातों रात वायरल हो रहे हैं यार, वायरल और बिना वजह की बात, दो तरह के वायरल होते हैं, एक वायरल वो होते हैं जिनकी जिसकी बच्चीन होती है, वैक्सीन लग जाए तो वायरल खत्म हो जाता है, एक वो वायरल है, इसकी वैक्सीन नहीं है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसके अलावा इसके आगे पैकेज का रिलैक्सेशन है, लेकिन मैंने देखा जो मैनुअल में जो चीजें हम सीखते थे, हमारे में वो वाला माइक होता था जिसकी पहले आवाज है उसके बाद हजरात मस्जिद के नलकों में पानी नहीं आ रहा, घर से वजू कर गया है, घर से कर गया है, और यार वो माइक आज माइक की क्वालिटी ऐसी है, ओए होए साउंड इफेक्ट्स हैं, कहां से कहां पे, वाह वाह वाह, अच्छा वो बड़े अच्छे होस्ट भी होते थे मस्जिद में,
एक बच्चे ने 2 रुपए दिया, लस की उम्र दराज कर रहे हैं, इसके खानदान को कामयाब कर। यार एक और बड़ी मजे की चीज है, तुमको जब मैं कहूँ तुम ऐसे हाथ डाल लो, अच्छा मस्जिद में वो लेके खड़े होते, हिम्मत करें हिम्मत। अच्छा यार अगर फिल्म में काम करेंगे तो किसके साथ काम करेंगे? देखें किसके बगैर भी काम चल सकता है, मेरा मतलब मैं किसी के साथ कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, किसी आप हमें क्यों दे रहे हैं? आधा प्रोग्राम होने के बाद मैं मैंने तो फिल्मों में ज्यादा ऐसे काम नहीं किया, जैसे एक में बाप बना दिया हीरोइन का, अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे यहाँ की खवातीन को फिल्मों के नाम याद रहे या ना रहे लेकिन फिल्म की स्टोरी जरूर याद रहती है। सुनिए जी कौन सी फिल्म थी जिसमें श्री देवी ने अपने शौहर को 1 करोड़ रुपए में बेच दिया था? हर हर औरत को याद है श्री देवी ने अपने शौहर को बेच दिया। हमारे तो और शौहरों के हमारे शौहरों के टैग भी लगा दे तब भी ना बिके। अच्छा यार ने कभी किसी के चक्कर में पकड़े गए? नहीं यार चक्कर वक्कर का तो चक्कर नहीं लगा क्योंकि मेरे ख्याल से इस मामले में बड़े डिसेंट है। अच्छा मैं बता दे नहीं है, नहीं बता दे कि नहीं बात नहीं है, ये पकड़े नहीं गए। सिस्टम आपका इतना खतरनाक हो गया, सिस्टम ऐसा अजीब हो गया, लड़कियां अंकल पटा रही है और लड़के आंटियां, ये क्या चक्कर है? ओए 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 यार ये मेरे ओल्ड इज गोल्ड तो ठीक है, मैंने भी सुना था ओल्ड इज गोल्ड है ना, नहीं लेकिन इस उम्र में मुझे तो कोई ऐसा चांस नहीं मिला और ना ही मिलना चाहिए। जब आपके बच्चे बड़े हो जाए ना तो फिर आपकी मॉनिटरिंग सिर्फ बीवी तक महदूद नहीं रहती, आपके बच्चे भी आपको मॉनिटर। अच्छा सर एक सवाल है मेरा, लाइक नहीं करते डिसलाइक डिसलाइक करते। अच्छा बाहर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे और अंदर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अभी कौन सी ऐसी जगह रह गई जहाँ आप जाना चाहते हैं? इतनी दुनिया में आपने शोज किए माशाल्लाह, आपने तो मेरे आपने ही कहा था आपने वहाँ भी शो किए जहाँ पब्लिक नहीं होती, बीच में बैठ जहाँ फ्लाइट जो है एयरपोर्ट पे आपने कहा था कि चार पाई पे टकराती है। मालदीव मोइन अख्तर साहब आप हो गए, ये सच्चा वाक्य है? सच्चा वाक्य कह रहे वो जहाज जहाँ रुकता है चार पाई पे टकराती है, चौकीदार लालटेन लेके आता है कहता लाओ भाई सामान लो, ऐसे एयरपोर्ट पे जाके रुके माशाल्लाह माशाल्लाह। यार 2-3 जगह तो हम खुद मालदीव जैसी जगह और कुछ ऐसे जगह थी जो बहुत ही थोड़ी सी हम गए वहाँ, वहाँ सारे दूसरे लोग लेकिन मालदीव के एक रिसोर्ट में मौजूद हूँ उसमें से एक बंदा कह रहा आप टीवी पे आते हैं। वाह 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 देखो इतनी दूर आर्टिस्ट कहाँ हिस्सा, देखो यार तुम ये देखो ना यार आप लोग क्या समझते हो, आपको भी अपनी वर्थ नहीं पता। वाह वाह मैं रियली बता रहा हूँ, आप जाहिर है अमेरिका ये सब जगह गए हैं आप शो करते हैं, यार हमारा किसी को पहचान लेना बहुत बहुत बड़ी बात है। मस्जिद में यार बड़ी बड़ी बात है ना। ये मुझे मस्जिद में यहाँ क्या कर रहा हूँ कभी पूछा किसी ने? मैं कहता हूँ सबसे बड़ा आर्टिस्ट वो होता है जिसको लोग आवाज से पहचान लेते हैं, इससे भी बड़ा होता है नाम से पहचान लेते हैं, फिर सामने देख के पहचान लेते हैं, स्कैंडल से पहचान लेते हैं वो भी स्कैंडल से। अच्छा प्यार करने के लिए क्या जरूरी है? वाह 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 मौका अभी तक मौके की तरफ। अच्छा आप इस बात को मानते ही है मैंने मौका गया पौका नहीं कराची में तो पौका ही चलता। अच्छा ये प्यार मोहब्बत की बात चली है प्यार के साथ में बात छेड़ी तो आप इस बात को मानते हैं? बड़ा डिसेंट क्वेश्चन मुझे पता है इसका, मैं उम्मीद करता हूँ इसका बहुत प्रॉपर अच्छा जवाब देंगे। आप इस बात को मानते हैं हमारे यहाँ औरत और मर्द की लड़ाई में बस इतना ही फर्क है कि अगर औरत झुक जाए तो मर्द हथियार डाल देता है? हाँ मतलब सरेंडर कर देता है कि भाई अब मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि औरत मासूम होती है, जब उसकी आंख से आंसू आ जाए तो बड़ा बड़ा मर्द जो है ना वो भी हो जाता है, झुकना जरूरी है। अगर ये जो अगर यही जवाब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तब तो यही है, बहुत सही जवाब आपने दिया, बीवियां जो है ना बहुत ख्याल रखती है। अच्छा सर आप इस बार आपके मेरा डिसेंट सवाल है सर, डिसेंट सवाल पहला नहीं पहला डिसेंट नहीं था अभी रिसेंट है। आप इस बात को मानते हैं कि इश्क और ख्वाहिश शुरू शुरू में ही अच्छी लगती है लेकिन बाद में जख्म बन जाते हैं? हाय हाय हाय, तो आपने एक जख्म छोड़े पिछले या कोई याद नहीं? मैं जख्म की बात नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ पता नहीं कौन से इश्क, किसको इश्क में ले रहे हो किसको जख्म में ले रहे हो। एक इश्क होता है कि जी वा, वा, वा। मैं तुमसे ही शादी करूंगा, वो कह रही मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ लेकिन लड़की के कहीं और हो गए आपके कहीं और हो गए, शुरू में कोई ऐसे वादे किए हैं? मुझे पता नहीं एक दफा किसी लड़की ने नाम लिख लिया आपका यहाँ पर? अरे नहीं यार कहाँ यार,
कोई नहीं, ये कौन सा दौर पता नहीं, पता ना चला। हालांकि दौर पुराने हैं लेकिन हुआ उसी वक्त होता था, अब तो वो दूसरे तरीके ब्लैक लिखवाते ना, अब तो गंदा करवा देते, अब तो ऐसी जगह लिखवाते कम वक्त वो खुद भी नहीं देख पाते। अच्छा ऐसा एक बात है, अभी आप रिसेंटली जो एंटरटेनमेंट के लिए क्या देखते हैं, मतलब ड्रामा फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए किस मीडिया को फॉलो करते हैं आप? मतलब यार मुझे कभी कोई अच्छा स्क्रिप्ट को आप बता देंगे, कोई ड्रामे तो इतने लंबे हो गए ना खुदाई सर, बच्चे बच्चों की मूछें निकल आती है ना। हाँ इतना लंबा, और ऐसा पहले होता था यार 13 एपिसोड में या 7 एपिसोड में ड्रामा खत्म हो जाता था, अब तो सिर्फ ये लड़के, मैंने एक अभी बीच में ड्रामा के यार में मर गया, मेरा डायलॉग ड्रामा देखा था मैंने, तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये था इतना जुमला, वो कह रहे हैं आप कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, फिर आप खड़े होंगे, फिर आप खिड़की की तरफ जाएंगे, फिर खिड़की से बाहर देखेंगे वहां पर सब्जी वाला आवाज दे रहा है, फिर आप पलटेंगे, फिर आप इधर देखेंगे, फिर आप कहेंगे तुमने वही जुमला दोबारा बोलवाया खुदा के, कहा पब्लिक कहती हूँ क्या बकवास है, फास्ट फॉरवर्ड चल रहा है। मैं एक बात बताऊं, पहले पता है क्या होता था, पहले ना एक दफा डिसाइड हो जाता था कि भाई 13 एपिसोड में ड्रामा खत्म कर देंगे, अब होता क्या है कि वो देखते ना कि यार लोग ज्यादा देख रहे हैं इस ड्रामे को, टीआरपी ज्यादा आ रही है, वो क्या करते हैं कहानी बढ़ा देते हैं, वो 13 के 26 एपिसोड हो जाते हैं, 26 तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जब तक स्टोरी खराब नहीं हो जाती ना, जब तक वो ड्रामा, तभी तो वो गाना मशहूर हुआ ना कहानी सुनो, सुनते ही रहो सर इतना आता है यार, वो बच्चों को भी याद हो गया, वो देखो बंदा हिट हो गया, वो कैफी माशाल्लाह बहुत सुपर माशाल्लाह अच्छा बंदा है, नाइस नाइस। अच्छा अयाज भाई आपका गुस्सा बड़ा खतरनाक है, वाह वाह, उसके बारे में कुछ बताया अयाज भाई के किससे बताया, वो जो बोलना चाहिए सर कि डकैत को आपने बाकायदा मारा, मारा पकड़ा, गाड़ी मार दी इन्होंने, मशहूर गाड़ी मारी पकड़ा, फिर वो उसके बाद पिस्टल भी वो वाली निकली, कौन सी वाली, लाइटर वाली, फिर वो पुलिस वाले कहने गए जनाब ये तो लाइटर वाली है, इसको क्या करें, जिनके पास नहीं होती है उनके पास कैसे बरामद करते हैं आप, वो गया लेके आ गए मिट्टी में साफ करके डाला, मैंने इस पे जमे के इस पे अब 13D वाली सेक्शन लगाए ना करें। अच्छा अब तो मैं बीच में 2-3 दफा हो चुकी थी वाला, तो मैं जब गुलशन थाने जाता हूँ कल आया तो फिर मैं फाड़ लिया, तो ये हो गया, ये होता है सर, फिर मैंने मेरी अम्मी ने मुझे कसमें दी कि बेटा ये लोग नहीं उलझो, नहीं उलझो, जल्दी में भी होता है और डरे हुए होते हैं, हमसे ज्यादा डरे हुए होते हैं सर, और उसमें हाथ एक तो था वाकई मेरे जो शॉप घबराहट भी चली जाती है, इसका दोस्तों नहीं था, इसका भी कांपता है हाथ, कांप रहा था वो भी सुबह जल्दी कांपने वाले का भाई। अच्छा सर डकैत की बात किया, यकीन करें मेरे दोस्त के घर डाकू घुस गए, सारा सोना लूट के ले जा रहे थे, जाते हुए जानमाज भी ले जाने लगे, वो घर का मालिक कह रहे यार जानमाज तो छोड़ दो, डाकू क्या कर रहा है, मैं मुसलमान नहीं हूँ मैं नमाज ना पढ़ नमाजी परहेजगार डाकू था भाई। हाँ सर वो बाकायदा नमाज पढ़ के दुआदारी से डके दिया, नहीं मुझे मगर मजर अली एकदम उसके पास आप टीवी पे आते ना, टीवी पे टॉस करके एक दिया, टीवी पे क्यों आते, मेरे पास आए फोन लदी हुई ना आंख बिल्कुल पैक हुई हुई थी, कहना यार कोई भी फैन हो ना अगर बहुत करीब आके तारीफ स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए कोई नहीं हंस रहा, पिन ड्रॉप साइलेंस हमारे साथ भी होता है अक्सर, अक्सर और बेशतर होता है, पत्थर पत्थर की पब्लिक मिल जाती है, भाई 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 होता है उस वक्त, क्या मतलब सोचे निकलो यहाँ से ये फील्ड छोड़ू, क्या कभी ऐसा आया, ऐसा हुआ हमने किया बोल दिया, नहीं नहीं सर ऐसा हुआ ऐसे यूं जैसे गूंगी बत्तख अंडा देकर पछता रही हो, ऐसी ऑडियंस मिलती है कभी कभी सर, मुझे प्यार नहीं करती ऐसी बढ़ा दे के शादियों को, एक तो शादी का फंक्शन में सबसे कम करता मुझसे हाँ। नहीं होता क्योंकि उसमें जो है ना अचानक बच्चे पैदा हो जाते हैं 15-20 आगे बैठ जाते हैं हवा लगते रहती है, बढ़ते भी रहते हैं, अब मैं वहां पर बैठा हूँ और मैं सुनाने शुरू किया, एक सुनाया दो सुनाया जो सुनाया तीसरे के बाद एक वो कहते हैं या साहब आप सुनाए जरा हम दो बने लेकर आ रहे हैं एयरपोर्ट से, जो सुना रहे गाना आप करेंगे, गाना थोड़ी गाना आता रुक रहा है, एयरपोर्ट से लेकर आएंगे जब तक आप करते रहे, जब आप सुनाए हमें पता है आप अच्छा सुनाएंगे, नहीं यार बड़ा ऐसे हैं मिलते हैं अच्छी बात, और कुछ इतनी अच्छी क्या बात है, क्या बात है, लुक सिर्फ लुक पे हंस रहे हैं, और आप आए और हल्का सा भी नॉर्मल बात को भी इतना एंजॉय करते हैं सर, मोहब्बत करने वाले लोग, मैं कहता हूँ कि हमेशा यही कहता हूँ अभी भी कहता हूँ कि
कॉमेडी करने वाले का ऑडिशन होता है, मैं कहता हूँ कॉमेडी सुनने वाला का भी ऑडिशन होता है। कॉमेडी सुनने हमारे सुनने वाले का यार, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम लोगों को मुस्कुराहट दे रहे हैं यार। आप सोचिए हर शख्स इतना टेंस्ड है, कोई डॉलर को रो रहा है, हालांकि हमारे की करेंसी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान रुपया है, लेकिन कोई डॉलर को रो रहा है, कोई महंगाई को रो रहा है, कोई दूध की कीमत को रो रहा है, कोई किसी चीज को रो रहा है, जिन्होंने इसको कम ज्यादा करना है। सर हमारे मुल्क का अलमिया ये है सर, आप देखिए हमारे मुल्क में बेरोजगारी से तंग आकर जो शख्स आमिल बनता है, लोग उसी के पास रोजगार के लिए तावीज लेने पहुंच जाते हैं। आए हाय, ये है मेरे मुल्क का अलमिया। नहीं, आपने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। अच्छा सही सही बता रही है, ठीक है। अच्छा वो अब क्या हुआ कि मुझसे मुझे बड़े मियां एक बनाया, एक ऐसा आदमी जो जनाब अली वो अमीर बनने के तरीके लिखा, वो ले आया घर पे, अमीर बनने का तरीका आप देखना, मैं ये करूंगा। उसने कहा भाई जिसने लिखी है वो अमीर बन जाता है, वो देख वो वहां पे रेडी में बेच रहे हैं वाली किताब है। तो ये जो ये इस तरह अच्छी बात है, अच्छी बात है। हवाई फायरिंग, मौकी फायरिंग या स्ट्रेट फायरिंग, हाँ तीनों में से कौन सी पसंद करते हैं? खाली हवाई फायरिंग। तो ये बात का भी जवाब देना, उसमें ये ना कि गोलियां ऊपर चली जाती है। हाँ गोलियां ऊपर चली जाती है क्योंकि फायदा नीचे आने का ऑलरेडी तो है, नीचे कॉल पर है, कॉल नीचे आ गया था, कॉल नहीं जाता। हाँ कॉल तो भाई जिस तरफ गया वो सीधा थोड़ी आएगा कि आप यूं करें, साइड में से निकलता रहता है। हाँ वो मगर ये है कि यार कभी कभी वो वेट की वजह से वापस। अच्छा ऐसा एक सवाल है, ये हवाई फायरिंग की बात भी, आप इस बात को मानते हैं कि इश्क इलेक्शन और शादी से पहले जो वादे किए जाते हैं उन्हें हवाई फायरिंग कहते हैं? इलेक्शन और शादी, इश्क इलेक्शन और शादी, शादी मेरा ख्याल है यार शादी में शायद अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बाकी ना इलेक्शन में होती है ना इश्क में होती है। आए, 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 शादी में हो जाती है, उसमें निकाह है ना यार, एक बरकत है, बरकत है, बताए बरकत, तुम तुम्हारे साथ तो बरकत ही लगा हुआ, फिर भी शादी नहीं कर रहे यार, क्यों नहीं कर रहे तुम यार? कर लूंगा सर, मैं मुल्क के बारे में सोच रहा हूँ ना, टाइम नहीं मिल रहा। मुल्क के साथ करोगे क्या? नहीं नहीं भाई आप करो शादी। अच्छा क्या करो, क्योंकि मेरी उस डॉक्टर से बात हुई है। अच्छा इसके बाद में क्लिनिक बंद कर रहा हूँ।